हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो Y56 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है नोटिफिकेशन मेथड सेटिंग को अपना चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन मेथड सेटिंग जो है चेंज होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टेटस बार का, स्टेटस बार पे सेलेक्ट करना है। स्टेटस बार के इस पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन मेथड, इसे आपको सेलेक्ट करना है। नोटिफिकेशन मेथड का एक छोटा सा पेज ओपन होगा, इसमें आपको तीन ऑप्शन दे रखे हैं, तीन में से आपको ऊपर वाले सिर्फ दो ऑप्शन को आपको यूज करना है, ठीक है, इस नोटिफिकेशन मेथड को चेंज करने के लिए, ठीक है। आपको ये आइकन और ये नंबर का ऑप्शन आपको यूज करना है, ठीक है, चेंज करने के लिए। देखिए आपका आइकन या फिर नंबर पे आपका पहले से टिक मार्क लगा होगा, जैसे मेरा ये आइकन पे टिक मार्क लगा हुआ है। मैं इन दोनों का ही यूज आपको बता देता हूं ये कैसे यूज होता है इन दोनों का, ठीक है। देखिए हमारे मोबाइल फोन पे जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, ठीक है, और जिस ऐप का नोटिफिकेशन आता है उस ऐप का आइकन हमारे को स्टेटस बार में दिखाई देता है। देखिए जैसे कि यहां पर ये मेरे स्टेटस बार में टाइम के साइड में यूट्यूब का आइकन दिखाई दे रहा है और ये वीवो ऐप का आइकन दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये ऐप के आइकन दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मुझे इसके नोटिफिकेशन मुझे आ रखे हैं। देखिए यूट्यूब का भी आइकन आ रखा है, ठीक है, और नोटिफिकेशन आ रखा है यूट्यूब का भी, इसलिए हमको जो है इसे स्टेटस बार में इस तरीके से आइकन दिखाई देते हैं हमारे को। तो जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे उस उनके ऐप के आइकन दिखाई देते हैं। अगर आप इस नोटिफिकेशन मेथड सेटिंग को अगर नंबर पर चेंज कर लेते हैं, नंबर पर टिक मार्क लगा लेते हैं, अभी सेटिंग देखिए कैसे काम करेगी। आपके मोबाइल फोन पर जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे ना उन सभी की टोटल काउंटिंग आपको स्टेटस बार में आपको दिखाई देगी इस तरीके से। देखिए यहाँ पे जो ये देखिए तीन लिखा हुआ ना, तीन नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल फोन पे आ रखे हैं, तो यहाँ पे टोटल काउंटिंग इनकी तीन लिखी हुई दिखाई दे रही है स्टेटस बार में, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना नोटिफिकेशन मेथड सेटिंग आप इस तरीके से आप चेंज करके आप इसे यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में, ठीक है।